नमस्कार दोस्तों, प्रेप इंडिया में आपका स्वागत है। नेशनल फर्टिलाइज़र लिमिटेड ने रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन निकाला है, लेकिन ये जो नोटिफिकेशन है वो एक्सपीरियंस लोगों के लिए है, जो कि है रिक्रूटमेंट ऑफ एक्सपीरियंस टेक्निकल प्रोफेशनल्स। और इसमें जो फील्ड है प्रोडक्शन, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल एंड फायर सेफ्टी डिसिप्लिन। सो NFL का यहाँ पर इंट्रोडक्शन दिया गया है, जो लोग नहीं जानते हैं वो देख सकते हैं यहाँ पर। सो वैकेंसी पोजिशन में आप देख सकते हैं, तो इसमें काफ़ी वैकेंसीज यहाँ पर है। देखिए आप, इंजीनियर E1 इसमें, और इसमें CTC देखिए आप, 11 लैक्स का है यहाँ पे। और डिसिप्लिन देखिए, प्रोडक्शन रहेगा यहाँ पे, वैकेंसी 7 है। यहाँ आप कैटेगरी वाइज ब्रेकअप देख सकते हैं। और इस तरह से मैनेजर E4 में देखिए, 19.26 का CTC है प्रोडक्शन में, और टोटल यहाँ पे 6 वैकेंसी है। इस तरह से मैकेनिकल में देखिए, इंजीनियर एंड मैनेजर की वैकेंसीज़ है यहाँ पे, 8 वैकेंसीज़ है, एक बैकलॉग है, और यहाँ पे 6 वैकेंसी है मैनेजर की। इलेक्ट्रिकल में देखिए, यहाँ पर आप इंजीनियर की यहाँ पर एक वैकेंसी है, 2 बैकलॉग है, और यहाँ पर मैनेजर की 2 बैकलॉग वैकेंसी है। इंस्ट्रूमेंटेशन में देखिए, इंजीनियर की वैकेंसी है यहाँ पर 4 और एक बैकलॉग है यहाँ पर। सिविल में यहाँ पर इंजीनियर की एक वैकेंसी है, फायर एंड सेफ्टी में यहाँ पर एक वैकेंसी है। सो टोटल हम देखते हैं तो यहाँ पर 40 वैकेंसीज़ है। अब यहाँ पर आप ब्रेकअप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज, जो कि यहाँ पे दिया गया है। ओके फ्रेंड्स, तो आगे देखते हैं, तो पे वर्क्स एंड प्लेसमेंट देखिए। सो जो E1 है उनका जो पे स्केल है 40,000 है, और 1,40,000 तक जाएगा, डेजिग्नेशन इंजीनियर रहेगा। और जो मैनेजर है उनका E4 पे स्केल है 70,000 बेसिक स्टार्ट होगा, और 2 लाख तक जाएगा, और मैनेजर उनका डेजिग्नेशन जाएगा। तो बेसिक पे के अलावा यहाँ पर आपको ये सब भी मिलेगा, इसीलिए CTC यहाँ पे देखिए 11 लाख और 19 लाख के करीब यहाँ पे चला जाता है CTC। सो अपॉइंटमेंट एंड प्लेसमेंट देखिए, यहाँ पर अपॉइंटमेंट और प्लेसमेंट होने से पहले उनका जो हेल्थ है वो साउंड होना चाहिए, और उनको मेडिकल फिटनेस लाना पड़ेगा सिविल सर्जन से, कोई स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल से। मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखिए यहाँ पर, तो आप इसको मैं रीड नहीं करूँगा, जस्ट यहाँ पर आपको एक शो कर देता हूँ। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, इंजीनियर प्रोडक्शन में देखिए, यहाँ पर जो इनको इंजीनियरिंग रिक्वायरमेंट है डिग्री की, वो 60% होना चाहिए यहाँ पे मार्क्स। एज 30 इयर्स, एक्सपीरियंस यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या दिया हुआ है, और क्वांटम ऑफ पोस्टल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस यहाँ पे देख लीजिए आप क्या दिया हुआ है यहाँ पे। ओके, तो ये आप उसको पढ़ सकते हैं। एक्सपीरियंस की वैकेंसी है तो यहाँ पर एक्सपीरियंस तो मांगा ही जाएगा। इस तरह से मैकेनिकल का यहाँ दिया गया है, आप एक्सपीरियंस यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, तो मैं इसकी PDF लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके पूरा डिटेल में आप पढ़ सकते हैं इसको। तो ये एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन के बारे में है। सो एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखिए, जैसे मैंने बताया, मिनिमम 60% आपके ग्रेजुएशन में इंजीनियरिंग में होना ही चाहिए। वर्क एक्सपीरियंस के बारे में जो दिया है वो बिल्कुल वैसे वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ पे स्केल एंड इक्विवेलेंट CTC के बारे में दिया गया है, तो उसको आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसको आप देख लीजिए टेबल को यहाँ पे। तो बेसिकली इस वीडियो के बारे में आपको ये बताना था कि ऐसी वैकेंसी आई है, इसकी डिटेल्स आप पूरा यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए। सो कट ऑफ डेट यहाँ पे देख लीजिए, सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के 31/3/2020 है। एप्लीकेशन फ़ी देखिए अनरिजर्व के लिए 700 है, OBC EWS के लिए, और SC ST EXM PWBD एंड डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए कोई फ़ीस यहाँ पर नहीं है। हाउ टू अप्लाई, तो ये आपको ऑनलाइन अप्लाई नहीं करना है, इसमें आपको जो वेबसाइट पे जाके आपको एप्लीकेशन को प्रिंट लेना है, जो यहाँ पे दी गई है www.nationalfertilizer.com/career-recruitment-NFL-recruitment-of-experience-technical-professional-2020। तो यहाँ पे आप जाके आपको एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है, उसको साइन करना है, और उसके साथ आपको अटेस्टेड कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, जो नीचे दिए गए हम आपको बताएंगे, और उस एनवेलप में डाल के, और इस एनवेलप के टॉप पर आपको लिखना है किस पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं, और इस एड्रेस पर आपको पोस्ट करना है। तो इसकी लास्ट डेट देखते हैं हम कहाँ पे दी गई है। तो लास्ट डेट इसकी देखिए 25/9 है, और अगर आप दूर के एरिया में, फार फ्लंग एरिया में, तो 110 इसकी लास्ट डेट है। और ये डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं, सेल्फ अटेस्टेड करना है इसको आपको। तो यहाँ आप देख सकते हैं 9 टाइप्स के डॉक्यूमेंट जो आपको एप्लीकेबल हैं, वो आपको सब यहाँ पर लगाने हैं यहाँ पर। तो शॉर्ट लिस्ट कैसे होंगे, तो शॉर्ट लिस्ट आपके एप्लीकेशन के फॉर्म पर होंगे, और आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। लेकिन अगर ज़्यादा कैंडिडेट्स मिलते हैं तो आपका यहाँ पे रिटर्न टेस्ट या ऑनलाइन टेस्ट भी हो सकता है, जिसका सेंटर दिल्ली NCR या कोई और सिटीज़ में हो सकता है। और कैंडिडेट्स को पर्सनल इंटरव्यू में क्वालिफाई होना है सेपरेटली, उसमें मिनिमम एवरेज मार्क्स 50 मार्क्स
मिनिमम एवरेज होने चाहिए। कुछ जनरल सेक्शंस हैं, इसको आप पढ़ सकते हैं। मैं इस वीडियो में आपको ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, आपको सिर्फ अवेयर कर रहा हूँ कि ऐसी वैकेंसी आई है। इसको आप जो गवर्नमेंट में ऑलरेडी काम करते हैं उनको प्रॉपर चैनल से अपना एप्लीकेशन भेजना है और इंटरव्यू के टाइम NOC लेके आना है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें दी गई है, वो आप देख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में इतना ही। जस्ट आप नोटिस कर लीजिए कि ऐसी वैकेंसीज आई है और इसमें आप अगर एलिजिबल हैं तो उसको आप ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। ऐसी और वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल पर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।